Subscribe now to receive new updates every day. फिर सामने आई पाक की शर्मनाक हरकत, पीयू जेंकर ने दी भारतीय खिलाड़ियों को गाली। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में मुकाबले में पाक ने टीम इंडिया को 180 रनों से हराकर पहली बार खिताब अपने नाम कर लिया। मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तान में एक न्यूज चैनल के एंकर ने भारत के खिलाफ जमकर आग उगली गई। न्यूज चैनल बोल के शो ऐसे नहीं चलेगा में एंकर आमिर लियाकत क्रिकेट के मैदान में मिली जीत पर ऐसे खुश थे जैसे उन्होंने कोई जंग जीत ली हो। अपने शो के दौरान लियाकत बेहद बहकार से भरे नजर आए। यह एंकर चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को मिली जीत से बेहद उत्साहित था। इसी उत्साह में उसने शब्दों की सारी सीमाएं लांघते हुए घटिया भाषा का इस्तेमाल किया। एंकर पूरे शो में बेहद घटिया भाषा इस्तेमाल करते रहे। आमिर ने इस जीत को कश्मीर से जोड़ दिया। इसके बाद आमिर ने अर्नब गोस्वामी, वीरेंद्र सहवाग और ऋषि कपूर पर भड़ास निकाली। आमिर ने कहा कि भारत को पाकिस्तान ने ऐसी मात दी है, हिंदुस्तानी माएं अपने बच्चों को सिखाएंगी कि जब पाकिस्तानी टीम मैदान पर आए तो डर जाना। वैसे ये पहली बार नहीं, आमिर लियाकत पहले भी भारत के लिए ऐसी ही गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करते आए हैं। आमिर ने अमेजॉन द्वारा महात्मा गांधी की चपल और तिरंगे वाले डोरमैट पर भी बेहद घटिया टिप्पणी की थी। आमिर के यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है जिसकी काफी आलोचना की जा रही है। थैंक फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स एवरी डे एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट।